हाय गाइस, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो स्वागत है आपका एक हमारे फिर से न्यू वीडियो में। और इस चैनल पर दूसरा वीडियो होने वाला है और चैनल का नाम है सेजू ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो बता देता हूँ कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तो हम जाने वाले हैं मेरे गाँव से थोड़े ही दूर, 25 से 30 किलोमीटर है साणा डूंगर। वहाँ पे जाने वाले और वहाँ पे अल्टीमेट नज़ारा है और माता जी का मंदिर है और वहाँ पे के गुफा भी है। वो गुफा भी आपको विजिट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे। और ये है मेरी बीबी और ये है मेरी बाइक और हम जाने वाले हैं साणा डूंगर। तो और आपको मिलते हैं साणा डूंगर डायरेक्ट। तो शॉट को इंजॉय करिए और मिलते हैं साणा डूंगर। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए हैं साणा डूंगर अभी और ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे। हम जाते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए और हम पहुंच गए साणा डूंगर। और अब मैं आपको बैग से दिखाऊंगा। तो थोड़े से यहाँ ऊपर है माता जी का मंदिर, हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे अल्टीमेट नज़ारा है और एक मेरे पीछे है ये जगह है, गुजरात में पड़ते है। थोड़ा सा ऊंचा है। ये है माता जी का मंदिर और इधर ये माता जी और एक इधर मंदिर है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। माता जी का मंदिर दर्शन कर लेना, हम भी दर्शन कर लेते हैं और आपको मिलते हैं डायरेक्ट बाहर। तो दर्शन करके आ गए हैं हम ऊपर, आपको दिखाते हैं ऊपर क्या है। और यहाँ पे आओगे अल्टीमेट नज़ारे है। थोड़ा आपको पीछे है ध्वजा, आपको दिखाता हूँ। इतनी बड़ी ध्वजा लगाई है। थोड़ा सा ऊपर है, चढ़ना पड़ेगा पैदल ही पैदल, थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी पड़ेगी। इधर है डूंगर ही डूंगर है यहाँ पे। तो आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है इधर। हाँ, फाइनली हम आ गए हैं ऊपर और देख लो मेरे पीछे अल्टीमेट नज़ारे है। अभी हम जाने वाले हैं यहाँ डूंगर है ना, वहाँ पे जाने वाले ऊपर तक चढ़ने वाले। अभी इधर जाने वाले हैं अभी हम, और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या है। अभी फटाफट इधर से चलते हैं नीचे। और इससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे पीछे है अभी बहुत बड़ा सा तालाब, और तालाब भी मैं दिखा देता हूँ। एक इधर मंदिर है, ये तालाब है, बहुत बड़ा है तालाब। और वीडियो में बने रहना और मैं अभी पीछे जाके दिखाता हूँ ऊपर, वहाँ पे गुफा है और भगवान शिव जी की बहुत बड़ी सी शिवलिंग है, वो भीम ने बनाई थी। मेरे पीछे है, यह बहुत बड़ी सी एक ध्वजा है।
और ये मेरे पीछे माता जी का मंदिर है और ये पर्वत है ना, उसमें हम जाने वाले, वहाँ पे जाते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं। और नीचे चल जाके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर चलते हैं वहाँ पे। देखो इधर सब लोग आते हैं और ऐसे पत्थर के साथ खड़ा करते हैं, जितना बड़ा करेंगे उतना भगवान इसको बहुत अच्छे से दे रहे हो। मेरी बीवी है ना, वो बना रही है, देख लो अच्छे से बनाना, थोड़ा बड़ा बना। तो डायरेक्ट जाते हैं अब नीचे। तो ऊपर से आ गए हैं फिर से नीचे, और नीचे से फिर ऊपर चढ़ेंगे। और अब मैं दिखाता हूँ ऊपर जाने का रास्ता। इधर से जाएंगे ऊपर, ये रास्ता है ऊपर जाने का, और इधर से हो जाएगी ट्रैकिंग शुरू। अभी बारिश का मौसम है इसलिए सब हरा हरा हो गया है। इधर ऐसा रास्ता है, कच्चा रास्ता होगा, फिर ऊपर तो हो। यहाँ पे तावते वावा जोड़ा के आया था, ऐसा झाड़ पूरा गिर गया है। नीचे से जाना पड़ेगा अभी तो। यहाँ पे बहुत ऐसा है जाने के लिए, यहाँ पे भीम और आए थे। आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर चढ़ जाएंगे, दिखाते हैं आपको ऊपर जाके। पहुंच गए और मेरी बीबी नीचे रह गई, वो आती है तब। अगर ये ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, अल्टीमेट नज़ारा है इधर। कभी आओ घूमने के लिए गुजरात, आपको भी बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ये सड़ नहीं सकती, बहुत ज़्यादा आहिस्ता है। इसको यहाँ पे फ्लावर और सब कुछ है, ऐसे ऐसे फूल है यहाँ पे। यहाँ मोर की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि क्या बात है। फाइनल गुफा आ गई है और गुफा के अंदर आपको जाके दिखाते हैं। यहाँ पहले के लोग ने इस यहाँ पे बनाई थी, अभी इसमें सब कचरा बसरा डाल रहे। फाइनल अभी हूँ मैं यहाँ पे गुफा में, पूरी तरह से अंधेरा है यहाँ पे बाहर। ये गुफा है देख लो, और एक इधर भी गुफा है, वहाँ पे भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी तरह से कोई नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है यहाँ पे। तो ये थी गुफा, अभी ऊपर तक है गुफा, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे और एक बड़ी सी शिवलिंग है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसी शिवलिंग है। और यहाँ पे भीम सोरी है ना, वो यहाँ की बहुत महत्व की है, वो भी लगता है वो आ गई। देखो ये यहाँ पे भीम का शादी हुआ था, ये सब डायरेक्ट पर्वत में बनाया हुआ है, पहले बहुत पुराने का है। अभी तक इसमें सब ने नाम लिख दिया अपने अपने हाथों से, प्राचीन समय का है। वो इतनी बड़ी जगह में यहाँ पे भीम की शादी हुई थी, अभी हम यहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत पुरानी जगह है यहाँ पे। भीम ने अपने हाथों से इधर बनाया था ये बहुत। अभी वहाँ से निकल के चढ़ते हैं ऊपर, ऊपर ऊपर जाके आपको दिखाते क्या से नज़ारा है। ऊपर जाके क्या व्यू दिखता है ना, वही महत्व। और इधर अभी बारिश के लिए बारिश आई थी, सब लोग चले गए हैं, नगर इधर बहुत भीड़ होती रहती है। फाइनल आ गई एक दूसरी गुफा, वहाँ अंदर जाके मैं दिखाता हूँ
बहुत बड़ी सी शिवलिंग की मूर्ति है। यह भगवान शिव जी की मूर्ति इधर भीम ने अपने हाथों से ही बनाई थी। ये सब आर्किटेक्चर से ने पूरे एक नाइट में बनाया था। सुबह सुबह हुई तब तक सब कुछ बना दिया था। अभी मैं गुफा में हूँ इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी इको जैसी आएगी। यह भगवान शिव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है, ये नाम पे ही यहाँ पे बहुत फेमस है। हर हर महादेव हर। अब चलते हैं बाहर और जाते हैं ऊपर। ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कैसे नज़ारे, एक बार फिर से देख लो आप कैसा है। यह बहुत भगवान शिव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति। और अब जाते हैं ऊपर। तो फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर और ऊपर आके ऐसा व्यू देखने के लिए मिल गया है। अभी मैं हूँ वहाँ सामने दिखा ना वहाँ पे था और वापस इधर आ गया और इधर आके कुछ ऐसा व्यू है देख लो। ये पतली सी सड़क जा रही है और ये चिप्स खा रही है, इसको लग गई है बहुत अच्छी सी वाली भूख। ऊपर सड़के भूख रह गई इसलिए खा रहे हैं चिप्स। और इधर ऐसा अल्टीमेट नज़ारा है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही और हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। ये मेरा दूसरा वीडियो था और इस वीडियो में जो भी अच्छा लगे हुआ और अच्छा लगता है और वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी ऐसा लगेगा यार तुम लोग सब सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरे को भी ऐसा लगेगा कि मैं अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे ऐसे खूबसूरत ऐसे ही नज़ारे होते हैं इसलिए अभी यहाँ घूमने के लिए जाएगा। ये मेरा इस चैनल पर दूसरा वीडियो होने वाला है और जो गलती हुई वो उसको माफ़ कर देना। और अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको मिलता हूँ मैं अब अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।